वेलकम टू ब्लॉसम्स ऑफ हैप्पीनेस और एज यू नो मैं हूँ मधुस्मिता। सो फ्रेंड्स, फिर मैं आपके लिए एक लेके आई हूँ एक हेल्पफुल सा वीडियो। बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे पूछते रहते हैं कि मैं हमेशा डेली लाइफ में क्या मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ, कौन सा ब्रांड की मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ और अपने फेस को किस तरह से ध्यान रख पाती हूँ। वैसे तो सच कहूँ मैं इतना ज्यादा कुछ खास करती नहीं हूँ, बट हाँ मॉइस्चराइजर मैं डेली यूज करती हूँ क्योंकि मेरा जो स्किन टाइप है वो ड्राई टू कॉम्बिनेशन स्किन टाइप का है और इस विंटर में ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, ताकि डार्क कभी कभी पैचेस आ जाता है और स्किन जो है फटने लगता है, स्किन का जो कलर है यानी स्किन टोन है काफी ब्लैक पड़ जाता है। और एक सही कोल्ड क्रीम चूज करने में भी बहुत ज्यादा टाइम मुझे लग गया था क्योंकि बहुत सारा ब्रांड को चुन चुन के मैंने कोल्ड क्रीम अपने स्किन पे अप्लाई किया है। तो बहुत सारा सर्च करने के बाद और बहुत सारा कोल्ड क्रीम यूज करने के बाद या मॉइस्चराइजर यूज करने के बाद मैं टॉप 5 मॉइस्चराइजर आपके साथ शेयर करूंगी जो कि डेली लाइफ में मैं यूज करती हूँ और बहुत सालों से भी यूज करते आई हूँ। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को देख लेते हैं। विंटर में सबके घर में होना चाहिए ये बोरो प्लस, जो कि हाँ मैंने इसको नंबर 1 पे रखा है क्योंकि बोरो प्लस जो है मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है। इसको मैं एज ए एंटीसेप्टिक क्रीम, एज ए मॉइस्चराइजर, एज ए लिप बाम और क्रैक हिल्स को रिमूव करने के लिए मैं इसको ही यूज करती हूँ। इसका जो स्मेल है फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा हर्बल सा स्मेल है। तो ये था मेरा पहला मॉइस्चराइजर जो कि मैं हमेशा यूज नहीं करती हूँ जब मुझे लगता है कि मेरा स्किन जो है थोड़ा सा फटा हुआ है, यानी कभी कभी देखते हैं आप, अगर ड्राई स्किन वालों के लिए मैं ये बता रही हूँ, एक्सेसिव ड्राई होने से स्किन जो है यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पैचेस हो जाता है, यानी स्किन जो है रिमूव होने लगता है। तो उस टाइम पे मैं क्या करती हूँ, रात को सोने से पहले इसको थोड़ा सा उस एरिया पर लगा देती हूँ और सो जाती हूँ। सुबह उठने के बाद मेरा जो ये एरिया होता है या जो भी फटने का जो एरिया होता है वो पूरा रिमूव हो जाता है, स्किन जो है पूरा नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है और जो भी स्किन जो रिमूव होता है वो सब भी कम हो जाता है। स्किन टोन को ये इवन करता है, मुझे तो इस तरह से लगता है और मैं हमेशा इसको यूज करती हूँ और विंटर में तो पक्का यूज करती हूँ। कभी कभी मैं अगर लिप्स में भी बहुत ज्यादा ड्राई लगता है तो भी मैं इसको लिप्स में भी अप्लाई कर देती हूँ। क्रैक हिल्स को रिमूव करने के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं, मैं कभी कभी अपने एरिया पर भी ये क्रीम को लगाती हूँ। तो ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और मैं हमेशा बचपन से ही आज तक इसको यूज करती हूँ। तो ये था मेरा पहला मॉइस्चराइजर। उसके बाद आते हैं सेकेंड मॉइस्चराइजर पर। सेकेंड मॉइस्चराइजर मैं आपको बोलूंगी एक बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं है बट मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी इसको यूज करने के लिए, बट किसी किसी को ये जो मॉइस्चराइजर है थोड़ा बहुत कम इफेक्टिव लगता है। ये है पतंजलि का मॉइस्चराइजर। ये जो मॉइस्चराइजर है ये सिया बटर और ऑलिव ऑयल वाला मॉइस्चराइजर है, जो कि इसमें एलोवेरा और आई थिंक एलोवेरा और सिया बटर के एक मॉइस्चराइजर आता है ग्रीन कलर का, उसको भी मैंने यूज किया था। बट वो जो मॉइस्चराइजर है ऑयली स्किन टोन के लिए बहुत ही अच्छा है, ये ड्राई टू कॉम्बिनेशन के लिए बहुत ही अच्छा है, ये ज्यादा ऑयली नहीं है, इस तरह से ये लिक्विड कंसिस्टेंसी में है और मैं 2 साल से इसको यूज करते आई हूँ और स्किन में इजिली ब्लेंड हो जाता है। बहुत ही अच्छा सा एक हर्बल सा फ्रेग्रेंस है इसका और लगाने के बाद थोड़ा सा भी चुपचुपा जैसे लगता है, कोल्ड क्रीम हमेशा आप देखेंगे कि लगाने के बाद एक चुपचुप हो जाता है, तो इस तरह से मुझे नहीं लगता है। मेरे स्किन टोन के हिसाब से मुझे ये मॉइस्चराइजर बहुत ही ज्यादा बेस्ट लगता है। इसको मैं एज ए नाइट क्रीम भी कभी कभी यूज कर लेती हूँ और कभी कभी अगर नहाने के बाद मेरा स्किन जो है थोड़ा सा ड्राई लगा तो मैं इसको कभी कभी यूज कर देती हूँ। तो ये 2 साल से मेरा फेवरेट है, तो 2 साल से मैं इसको यूज करती आई हूँ और काफी रिजल्ट मुझे अच्छा लगा। तो ये था मेरा सेकेंड मॉइस्चराइजर जो कि है पतंजलि का। तो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ, जिनको पता नहीं है मैं उनको बता देती हूँ, ये पतंजलि का क्रीम मॉइस्चराइजर है विथ इसमें सिया बटर है, ऑलिव ऑयल है और ये क्लेम करता है कि ये एजिंग को भी स्लो डाउन करता है, हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन स्किन को भी हाइड्रेट करता है। तो ये आयुर्वेदिक क्रीम है तो इसकी वजह से आपकी स्किन को कुछ भी हार्म नहीं होगा, तो आप इस विंटर में इसको ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगा तो इसको आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं। जानते हैं कि मेरा थर्ड मॉइस्चराइजर कौन है, यानी कौन सा मॉइस्चराइजर है। थर्ड मॉइस्चराइजर जो है मेरा, इसके साथ मेरा पुराना रिश्ता है और मुझे भी पता है आप सभी का भी पुराना रिश्ता इसके साथ ही होगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा पुराना ब्रांड है और ट्रस्टेबल ब्रांड है। ये है निविया का क्रीम मॉइस्चराइजर। ये
एज ए क्रीम आप यूज कर सकते हैं, एज ए मॉइस्चराइजर आप यूज कर सकते हैं। इसका जो व्हाइट वाला एक क्रीम आता है सॉफ्ट क्रीम, इसको मैं नहीं यूज करती हूँ क्योंकि वो लगाने के बाद मेरे स्किन में एक चुपचुपा आ जाता है। जैसे कि अगर मैं इसको लगाती हूँ उसके बाद कुछ भी मेकअप वगैरह अप्लाई करती हूँ तो वो मेकअप भी ऑयली हो जाता है। तो ऑयली से थोड़ा सा कम है ये क्रीम। मुझे क्रीम बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, काफी दिनों से मैं इसको यूज करते आई हूँ और मेरे हस्बैंड भी इसको यूज करते हैं। लगाने के बाद थोड़ा सा इसको ब्लेंड करने के लिए टाइम लेता है, बट अगर आप दिन में एक ही बार लगाते हो तो पूरा दिन आपको बिल्कुल भी डल या ड्राई स्किन नहीं मिलेगी। बहुत ही ज्यादा एक अच्छा मॉइस्चराइजर है ये, और लगाने के बाद एक स्किन में बहुत ही ज्यादा एक फेयर सा भी लुक आ जाता है। आप यहाँ पर देखिए अच्छे से ब्लेंड हो गई है। थोड़ा सा ही टाइम लेता है ब्लेंड होने के लिए और ज्यादा ऑयली भी नहीं है। कॉम्बिनेशन और ड्राई स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। ऑयली स्किन जिनका है वो भी इसको यूज करते हैं क्योंकि ये इतना ज्यादा ऑयली नहीं है। मैं कभी कभी इसको हाथ पैर में भी कभी कभी यूज कर लेती हूँ। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और इसका फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग टाइप का है। ये जो प्रोडक्ट है मेरे पास है, ये 60 ml का प्रोडक्ट है और इसका जो प्राइस है वो 85। बहुत ज्यादा अच्छा क्रीम है, काफी सालों से मैं इसको यूज करती आई हूँ। जब मैं स्कूल में भी पढ़ती थी मेरी मम्मी इसको यूज करती थी और मैं मम्मी का चुरा चुरा के मैं भी कभी कभी यूज कर लेती थी। तो उसके साथ मेरा बहुत ज्यादा पुराना रिश्ता है। आई थिंक 7th class से मैं इसको यूज करती आई हूँ और हर विंटर में मुझे ये क्रीम पक्का चाहिए होता है। तो ये था मेरा 3rd एक फेवरेट मॉइस्चराइजर। तो अभी बात करते हैं 4th मॉइस्चराइजर की, जो कि मेरा करंट फेवरेट है। और बहुत सारे व्यूअर्स थे मुझे पूछते रहते हैं कि मैं हमेशा कौन सा मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ। तो अभी जो मेरा करंट फेवरेट है वो है VLCC का लवंग मॉइस्चराइजर। इसमें लिखा है ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी अगर आपका ड्राई टू कॉम्बिनेशन स्किन है तो भी आप इस मॉइस्चराइजर को यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है, लगाने के बाद एक कूलिंग सा सेंसेशन देता है। एक फेशियल वीडियो में भी इस मॉइस्चराइजर के बारे में थोड़ी बहुत बताया था। और ये जो मॉइस्चराइजर है लगाने के बाद बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होता है कि आपकी फेस में कुछ भी क्रीम वगैरह है। बहुत ही अच्छा ये मॉइस्चराइजर है, लगाने के बाद एक कूलिंग सा सेंसेशन फील होता है। और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है लावंग, जो कि पिंपल और एक्नी स्किन वालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। और ऑयली स्किन के लिए ये मॉइस्चराइजर बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि ऑयली स्किन में क्या होता है बहुत सारा पिंपल्स एक्नी और ज्यादा जो फाइन लाइन्स ये सब होने के लिए चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। इसमें लावंग है जो कि एक्नी और पिंपल को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। अगर आप ये मॉइस्चराइजर को डेली यूज करते हैं तो आपकी पिंपल और एक्नी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी और जो भी डार्क स्पॉट हो जाता है पिंपल के बाद वो भी बहुत जल्दी रिमूव हो जाता है। क्योंकि मेरा जो स्किन है वो ड्राई टू कॉम्बिनेशन स्किन के लिए है, बट मेरा स्किन में इतना ज्यादा पिंपल वगैरह कुछ भी नहीं होता है। बट लगाने के बाद मेरा जो स्किन है बहुत ज्यादा स्मूथ हो गई है, काफी क्लियर हो गई है और एक छूने से ना बहुत ज्यादा स्मूथ सा एक फीलिंग भी आता है। तो मुझे भी ये बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इसको मैं नहाने के बाद ये मॉइस्चराइजर ही यूज करती हूँ और कभी कभी अगर बाहर जाती हूँ तो मेरा स्किन जो है बहुत ज्यादा ड्राई अगर लगता है तो इसको मैं अप्लाई कर देती हूँ। उसके ऊपर कुछ भी कंपक कभी कभी अप्लाई कर देती हूँ, नहीं तो कुछ भी जो टेलकम पाउडर है उसको भी कभी कभी अप्लाई कर देती हूँ। अभी जो मेरा मेकअप का लुक है मैंने उसमें से ही किया है, इसको लगाया है। उसके बाद जो पॉन्ड्स का टालकम पाउडर आता है उसको ये लगाया है और थोड़ा सा लिपस्टिक लगाया है। और देख सकते हैं आप फेस जो है कितना ज्यादा ग्लोइंग दिख रहा है और काफी ज्यादा क्लियर भी लग रहा है। तो इसको मैं आजकल हमेशा इसको यूज करते आई हूँ, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इसको जो प्राइस है वो है 160 rupees, थोड़ा सा महंगा है, बट लगाने के बाद आपको बहुत ज्यादा इस तरह से नहीं फील होगा कि ये बहुत महंगा चीज मैं यूज कर रही हूँ। इसका जो टेक्सचर है कुछ इस तरह से है, इस तरह से ओपन होता है ये और थोड़ा सा थीक कंसिस्टेंसी में है। ये देखिए थोड़ा सा थीक, इसका जो कंसिस्टेंसी है ना थोड़ा सा थीक है, जैसे कि क्रीम वगैरह का कंसिस्टेंसी होता है इस तरह से ही है। और लगाने के बाद इजीली ये स्किन में भी ब्लेंड हो जाता है। तो ये मॉइस्चराइजर को मैं अभी डेली यूज कर रही हूँ। तो ये था मेरा एक फेवरेट वन। अभी मैं आपको एक मॉइस्चराइजर के बारे में बताऊंगी जो कि मार्केट में बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। इसको आपको घर में ही बनाना पड़ेगा और अपने चेहरे पे लगाना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि आपको भी पता है कि मार्केट वाला जितना भी अगर मॉइस्चराइजर वगैरह क्रीम वगैरह आप यूज करते हैं, नेचुरल चीजें नेचुरली होता है, स्किन में बहुत ज्यादा फायदेमंद देता है, बहुत ज्यादा असर होता है स्किन में। तो अभी मैं एक नेचुरल चीजें बताऊंगी जो कि मैं हमेशा ट्राई करती हूँ नाइट टाइम में। ये एलोवेरा जेल, ये पतंजलि का एलोवेरा जेल है, ये सभी को पता है। और एलोवेरा स्किन के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद है ये भी आप सभी को पता है।
और ये जो एलोवेरा जेल है ये बहुत ही ज्यादा नेचुरल है, तो इसको मैं यूज करती आई हूँ। अगर आपके पास बहुत ही अच्छा ब्रांड का एलोवेरा जेल है तो भी आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको चाहिए इवोन का ये 400 वाला ई विटामिन ई कैप्सूल, ये है इवोन का 400 mg, और इसका जो प्राइस है ना ये 22 रुपीज का है, और इसमें है 10 कैप्सूल है 22 रुपीज का, काफी ज्यादा सस्ता है ये। किसी भी मेडिकल स्टोर में आप इसको ले सकते हो, बहुत ज्यादा फायदापन है। इसको आप हेयर में यूज कर सकते हैं और अपने फेस में यूज कर सकते हैं। ये जो दोनों को मिलाकर मैं हमेशा क्रिएट करती हूँ एक मॉइस्चराइजर, इसको मैं स्टोर करके नहीं रखती हूँ, जब मैं बनाती हूँ उसको पूरी तरह से अपनी स्किन और फेस में लगा लेती हूँ। तो ये बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा फायदापन देता है। इसको मैं हमेशा नाइट टाइम में एज ए नाइट क्रीम के हिसाब से यूज करती हूँ। अगर आपका स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदापन होगा और बहुत ज्यादा असरदायक होगा, क्योंकि एलोवेरा जेल है, एलोवेरा जेल एक नेचुरल मॉइस्चराइजर की तरह भी काम करता है, और विटामिन ई ऑयल जो है हमारे स्किन में जो डेड स्किन सेल हो जाता है, कभी कभी ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स ये सब हो जाता है, तो वो जो डेड स्किन सेल को रिपेयर करने में ये विटामिन ई ऑयल बहुत ज्यादा फायदापन है। अगर आपके पास भी फिर भी विटामिन ई कैप्सूल नहीं है तो आप 2 बूंदे स्वीट आलमंड ऑयल भी ले सकते हैं, क्योंकि आलमंड में भरपूर मात्रा से विटामिन ई होता है, तो आप स्वीट आलमंड ऑयल भी ले सकते हैं। तो इसको मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा एलोवेरा जेल हाथ में लेती हूँ, एक विटामिन ई कैप्सूल को पिन करते उसका जो 2 बूंदे जो ऑयल है उसको मैं एलोवेरा जेल में डालती हूँ, मिक्स करती हूँ, और फेस को वॉश करने के बाद जब मैं सोने जाती हूँ उससे थोड़ा सा पहले 10 मिनट्स बिफोर ही अपने फेस और नेक में अच्छे से लगा लेती हूँ और सो जाती हूँ। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपकी लीव्स बहुत ज्यादा फट रहे हैं या बहुत ज्यादा ड्राई हो रहे हैं तो आप सिर्फ विटामिन ई कैप्सूल का जो ऑयल है थोड़ा सा ही हाथों में लेकर अपने लीव्स में चारों तरफ लगा सकते हैं, बहुत ज्यादा फायदापन है ये। और मैं आपको 100% भी गारंटी दे सकती हूँ कि ये लगाने के बाद आप बिल्कुल भी मार्केट वाला जो मॉइस्चराइजर है उसको भूल जाएंगे। तो ये था मेरा फेवरेट एक मॉइस्चराइजर, मेरा सारा मॉइस्चराइजर का कलेक्शन जो कि मैं डेली लाइफ में यूज करती हूँ। और मैं फ्रेंकली बता रही हूँ कि लास्ट जो मॉइस्चराइजर मैंने आपको दिखाया है मेरा अभी करंट फेवरेट है, एक BLCC मॉइस्चराइजर, एक है एलोवेरा जेल वाला मॉइस्चराइजर। BLCC को मैं हमेशा दिन में यूज करती हूँ, और एलोवेरा और विटामिन ई का जो कैप्सूल का मिक्सचर है उसको मैं रात में यूज करती हूँ। तो जिन जिन व्यूअर्स ने मुझे हमेशा पूछते रहते हैं कि मैं स्किन में क्या मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ, आई होप आपका सवाल का आंसर आपको मिल गया होगा इस वीडियो के थ्रू। तो उम्मीद करती हूँ ये जो छोटा सा मेरा वीडियो था आपको बहुत ज्यादा हेल्प किया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ किसी भी सोशल पर, चाहे तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या व्हाट्सएप किसी में भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उनका भी थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए। तो मैं मिलती हूँ और एक इस तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, अभी के लिए बाय बाय एंड स्टे हैप्पी एंड हैप्पी विंटर।